साथियों, हाइड्रोजन बम एक ऐसी खतरनाक ताकत है जो समस्त मानव जाति को पल भर में ही नाश कर दे। साथियों, ऐसे में इस हथियार को अपने आप में पाना किसी जीत से कम नहीं है। तबाही का दूसरा नाम ही है हाइड्रोजन बम। साथियों, हम आपको बता दें कि हाइड्रोजन बम एक परमाणु बम से 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। उदाहरण के लिए, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था तो उस परमाणु बम से 1.5 लाख लोगों की मृत्यु उसी क्षण हो गई थी और जिसमें 80 से ज़्यादा शहर तबाह हो गए थे। तो दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि परमाणु बम से 10,000 गुना ज़्यादा ताकत रखने वाला हाइड्रोजन बम कितना ज़्यादा खतरनाक होगा, उसकी विनाशक शक्तियाँ मानव जाति के लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं। साथियों, अभी तक इतिहास में हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल किसी भी युद्ध में नहीं किया गया है। दुनिया के परमाणु हथियार के जखीरों में हाइड्रोजन बम भी बहुत अधिक मात्रा में शामिल है, लेकिन कोई भी देश किसी भी युद्ध में अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हर देश इसकी असीम ताकत को जानता है। हाइड्रोजन बम को एच बम भी कहा जाता है। साथियों, यह आधिकारिक तौर पर फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास। साथियों, हाइड्रोजन बम का पहला परीक्षण 1952 में किया गया था और भारत में इसका पहला परीक्षण 1998 में किया गया था। जब अमेरिका ने 1952 में हाइड्रोजन बम का पहला परीक्षण मार्शल द्वीप पे किया तो उस परीक्षण के बाद उस द्वीप के सभी जीव जंतु हमेशा के लिए नष्ट हो गए और वहां पे फैल गई असीम ताकत रखने वाली खतरनाक रेडिएशन। साथियों, हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन के दो आइसोटोप ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम को शामिल किया जाता है। जब ये दोनों आइसोटोप आपस में मिलते हैं तब संलयन की प्रक्रिया होती है। साथियों, ये संलयन प्रक्रिया वही प्रक्रिया है जो सूर्य में होती रहती है और जो अत्यधिक मात्रा में सूर्य के अंदर हमेशा असीम मात्रा में ताकत उत्पन्न करती है, जिससे सूर्य के अंदर इतना तापमान, इतनी ऊर्जा और साथियों, हाइड्रोजन बम के विस्फोट के लिए 3 चरण होते हैं। पहले चरण में 3 करोड़ लाख डिग्री सेल्सियस का तापमान उत्पन्न किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले परमाणु बम का विस्फोट कराया जाता है। साथियों, उसके बाद जब 3 लाख करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान मिलता है तब उसी तापमान पर हाइड्रोजन बम विस्फोट हो जाता है। साथियों, जब हाइड्रोजन बम विस्फोट होता है तो उसमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा, इतनी ज़्यादा रेडिएशन, इतना अत्यधिक मात्रा में रोशनी निकलती है कि अगर कोई इंसान उस रोशनी को देख ले तो वह पल भर में ही अंधा हो जाएगा। हाइड्रोजन बम की खतरनाक हवा किसी इंसान को उठा के कई किलोमीटर दूर तक फेंक सकती है। हाइड्रोजन बम समस्त मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसका इस्तेमाल भविष्य में ना हो यही मानव जीवन के लिए सबसे उन्नत, सबसे अच्छा कार्य होगा।